गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? अच्छा चल रहा है ना, गुड। आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहिए जैसे आप लोग अभी मेरे चैनल को देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग बस इसी तरह खुश देखना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं अभी तक आप लोग को बहुत सारा वीडियो दे चुका हूँ और बहुत सारा वीडियो दे भी रहा हूँ, लेकिन मुझे समय का अभाव होने के कारण मैं अभी वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज से मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी एग्ज़ाम भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम जब भी मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए आज से नया सेशन शुरू कर रहे हैं, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न जो कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है और ये एडवांस मैथमेटिक्स का एक भाग है। तो बिना देर किए सबसे पहले आज मैं आप लोगों को त्रिभुज से संबंधित चीज़ बताऊंगा और साथ ही साथ एक दिन मैं आप लोग को हार्ड क्वेश्चन बताऊंगा और एक दिन आप लोग इजी क्वेश्चन बताऊंगा। तो मेरा दोनों ही सेशन आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले सूत्र बता देते हैं। पहला जो सूत्र है त्रिभुज संबंधित, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो याद कर लीजिएगा, 3 × भुजा। दूसरा सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 × भुजा²। तीसरा सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, बराबर होता है a/√3। नेक्स्ट सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, a/√3। उसके बाद जो सूत्र है समबाहु त्रिभुज की मध्यिका या ऊंचाई, √3/2 × भुजा। साथ ही साथ पांचवा सूत्र है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर √3 × P1 + P2 + P3। अब P1 P2 P3 क्या होता है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को वहां पे बता देंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो सूत्र है आप लोग का हीरोन का सूत्र, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S·S·A·S·B·S·C। नेक्स्ट जो सूत्र है वो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी एस से हम लोग डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a+b+c/2। और साथ ही साथ लास्ट फॉर्मूला जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ा धार स्क्वायर। और अंतिम जो 10वां फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जनरल जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये 10 फॉर्मूला को आप लोग अपने दिल से, दिमाग से, सभी से याद कर लीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो भी क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन आपको बार बार देखना पड़ेगा और एग्जाम में देखने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, ना आपको कोई सूत्र लिखने दिया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप जरूर से जरूर सारे सूत्र को याद कर लेंगे और जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों को मेरा वीडियो अवश्य ही व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर देंगे। मैं इतना तो आप लोग से उम्मीद करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने बोले। मैं उन्हें बेहतरीन, जो कि हमेशा मैं आप बोलता हूं, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं, जो आप लोग ना कभी देखा होगा ना कभी सुना भी होगा। अगर आप लोगों को देखने में अगर प्रॉब्लम होता तो मेरा वीडियो रेगुलर सुनिए, सुनने में भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मेरा आवाज थोड़ा सा जरूर दबा है, लेकिन उतना भी नहीं दबा कि मैं आप लोगों को उतना भी सुना ना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज जरूर बोलूंगा कि अपने जीवन में फांकी कभी मत मारिए, हमेशा मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, जो चीज कीजिए दिल से कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है कि अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, अंतर त्रिज्या। और अंतर त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में बता चुके हैं a/√3 होता है, ठीक है? a/√3, तो a/√3, a का मान कितना है 6, 6/√3 जब सॉल्व करते हैं तो अंतर त्रिज्या का मान आता है 3/√3 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है π r², r के जगह कितना आ गया 3/√3, जब पुट कर देते हैं तो आता है 3π आंसर। क्या आपको समझ में आया? आ गया ना, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग समझते रहिए और मेरी आवाज को सुनते रहिए, मेरी आवाज को सुन करके भी आप लोग बहुत सारे चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं गया, एडवांस ऐसा चीज आपको थोड़ा बहुत सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, अगर नहीं याद करेंगे तो आपका हिसाब नहीं बन पाएगा। तो मेरा बात को मानिए, अपना दिल का सुनिए और जरूर जरूर याद कीजिए।
बेहतरीन मेहनत कीजिए। अगर आप बेहतरीन मेहनत करते हैं तो आप बेहतरीन बनेंगे। और आने वाले समय में कंपटीशन तो बात बहुत हाई होती जा रहा है, तो आप लोग भी हाई, बहुत ज्यादा हाई बनिए, बहुत ऊंचा आगे बढ़िए। ठीक है, समझ पाते हैं मेरी बातों को? जरूर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। इसे भुजा का मान निकल गया कितना? 6। सॉल्व किए कितना आ गया? 6। इतना तो सॉल्व करने आप लोग को जरूर जरूर आता होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करना सीखें, अप्लाई करना सीखें, तब जाकर आपका हिसाब तुरंत बन जाएगा। और माध्यिका का सूत्र होता है √3/2 × भुजा। बस √3/2 × 6 = क्या हो जाएगा? 3√3। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा, एक खुद एक बार जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना है? तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले भुजा निकालिए। तो √3/4 × भुजा स्क्वायर = कितना दे दिया भाई? क्षेत्रफल होता है 4√3, जब सॉल्व करते एक आमान 4, इसलिए परिमाप 3 गुना भुजा होता है, तो 3 गुना 4 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अच्छा लगा ना? हमेशा अच्छा ही लगेगा मेरे वीडियो, अगर आप दिल से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब ज्यादा अच्छा लगेगा तो आप लोग सीख लीजिएगा, और जब सीख जाइएगा तो कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। भारत के हर एक कोने में मेरा वीडियो पहुंचाइए। थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है देखने में तो मेरी आवाज को सुन के ही पूरे क्वेश्चन को लिख लिए, रिवाइंड करके देखिए। जब भी मौका मिले आप लोग बस मेरा वीडियो लगा दीजिए और सुनते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना? माध्यिका दे दिया, बस आपको सूत्र याद करना है। माध्यिका जो होता है √3/2 × भुजा बराबर 6√3 दिया हुआ था, ए बराबर 12 हो गया, इसलिए परिमाप कितना होगा? 36, 3 गुना भुजा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज के हर भुजा की लंबाई क्या है? तो परिमाप होता है 3a, और क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, और उसी क्षेत्रफल का √3 गुना था आपका परिमाप। बस पुट कर दिए, सॉल्व किए, तो ए बराबर कितना आ गया? 4। इसलिए आंसर क्या होगा? 4 यूनिट। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत होता है, और किस तरह का दिक्कत होता है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डेली मेरा वीडियो देखें, पुराना वीडियो देखें, और इस साथ साथ अच्छा से आप लोग के वीडियो लाते रहेंगे। बस मुझे टाइम मिलना चाहिए, जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोग के वीडियो लाता हूँ। मुझे काफ़ी परेशानी होती है, मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन जब भी मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल का नाम विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन। और जो भी C1 के बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी C1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं देवघर में जो पढ़ते हैं, उसे जरूर बता दें मेरे जो कोचिंग का नाम है विक्रम ट्यूटोरियल, जहां मैं केमिस्ट्री और कंपटीशन का क्लास लेता हूं। तो जितने भी बच्चे जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो संपर्क नंबर है 87098677773, इसे नोट करके अपने दोस्तों को बता देंगे और उसे ज्वाइन करने जरूर बोलेंगे। मैं 60% का गारंटी लेता हूं कि केमिस्ट्री में वो ला देंगे, और अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो अधिक अधिक नंबर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, सुस्त चुस्त रहिए, और देखते रहिए मेरा चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। जय हिंद, जय भारत।